यामिनी बंसल, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये फ्लावर इयररिंग्स। तो इसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके हमें दो बैंगल्स लगेंगे, बिल्कुल पतले होने चाहिए ताकि आपके कानों पर ज़्यादा वेट ना जाए। फर्स्ट थिंग ये लगेगी। सेकेंड थिंग, हमें ये टेप लगेगी ग्रीन कलर की, ये थोड़ा स्टेच हो जाती है। देन इसके अलावा हमें इस तरीके के से लगेंगे ईयर में पहनने के लिए। देन हमें रिंग्स लगेंगी राउंड वाली, इस टाइप की रिंग्स आती हैं, तो ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, 1 रुपये की 5 इस तरीके से अवेलेबल हो जाती हैं। इसके अलावा हमें फ्लावर्स लगेंगे ये वाले, ये आपको 20 रुपये का बंच मिल जाता है जो कि पेपर के फ्लावर्स है ये, और इस तरीके से इसमें पीछे तार आता है। इसके अलावा हमें ये भी लगेंगे, तो हमें टोटल 4 पीसेस लगेंगे। ये भी 12 का बंच ही आता है, 20 रुपीस का, तो ये पर ईयरिंग में हमें 2 लगेंगे, तो ये 2 हैं। इसके अलावा हमें एक ही वाला टूल लगेगा। देन हमें एक सीजर लगेगी। तो फर्स्ट हमें एक बैंगल लेना है इस तरीके से। बैंगल लेने के बाद मैं इस टेप को निकाल लूँगी, और टेप को निकालने के बाद इस तरीके से टेप को इस बैंगल के पूरी साइड पर फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से पूरी बैंगल पे हम इसे फोल्ड कर लेंगे। जो बैंगल थी उस पर फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अभी मैंने इससे कट नहीं किया है, उसका एक रीज़न है कि मैं ये इतना टेप छोड़ दूँगी इसमें और उसके बाद इसे कट कर लूँगी। इसलिए मैं ये टेप छोड़ रही हूँ ताकि हम जो भी फ्लावर लगाएं उसको इस पर लपेट दें तो वो मज़बूत रहेगा, निकलेगा नहीं। तो फर्स्ट हम जो ले रहे हैं फ्लावर ले रहे हैं ये वाला, तो पहले हम ये वाला फ्लावर लगा रहे हैं। हम थोड़ा सा दूर पे लगाएंगे, जैसे टेप का यहाँ पर मुँह छोड़ा है मैंने, तो हम थोड़ा इधर की साइड लगाएंगे क्योंकि ये अभी फोल्ड हुआ। फोल्ड ये इस तरीके से हम इस तार को, इस फ्लावर्स की एक अच्छी बात है कि इसमें थ्रेड आता है जिस पे हम कायपी भी इसे लपेट सकते हैं, और फिर ये मजबूत भी हो जाता है 2-3 बार अगर आप इसे कहीं भी राउंड कर देते हैं। तो ये अभी हो चुका है। देन अब इसके पास में ये वाला फ्लावर लगा रही हूँ, आप देख सकते हो इसमें भी एक ग्रीन लीव लगी हुई है, तो उसको थोड़ा ऊपर कर देंगे क्योंकि फिर ये डिस्टर्बेंस आती है इसको लगाने में। तो ये अब हम जो चीज़, ये बैंगल है, अभी इससे हम फ्लावर को इस साइड का मुँह कर दिया है मैंने, और ये वाला जो फ्लावर है हम हमेशा अंदर की साइड से लेंगे क्योंकि अगर आप इसे बाहर की साइड से रखोगे और फोल्ड करोगे तो वो बाहर की तरफ बार बार निकलेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखते हुए करनी है। ये इससे भी हमें इस तरीके से पूरा फोल्ड कर देना है। तो जब आप इसे फोल्ड करोगे तो इस फोल्डिंग के बाद हमें इस टेप के जो लास्ट हमने छोड़ा हुआ है ये, अब हमें इसके ऊपर इसे लपेटना है इस तरीके से, जिससे ये मजबूत हो जाएगा। और मजबूत होने के बाद इसे मैंने थोड़ा आगे की साइड इसका फेस कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये इधर है और ये इधर है, तो दोनों को हमें एक साइड पे ही कर देना है जैसे कि लाइक दिस। तो ये दोनों चीज़ें एक ही साइड पे हो चुकी हैं। देन अब हम दोबारा से एक रेड रोज़ लेंगे ये वाला, और उसे लगाएंगे यहाँ पर। तो इस रेड रोज़ को तो फोल्ड करना इजी है गाइस, बस ग्रीन लीव को ही फोल्ड करना, तो आप थोड़ा इसे पकड़ कर इस तरीके से कर देंगे तो सही रहेगा, फोल्ड भी इजीली हो जाएगा, और आपको बाद में ये भी नहीं लगेगा कि एक चीज़ का फेस उधर जा रहा है, एक चीज़ का फेस उधर जा रहा है। तो तार के बाद हम टेप नहीं लगाएंगे गाइस, हम जब ग्रीन वाले ये वाली चीज़ लगाएंगे तब हम लगाएंगे। तो ये हमारी दोनों चीज़ें लग चुकी हैं। थर्ड हम दोबारा से ग्रीन वाला ये लेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया था अंदर की साइड ही आपको इसको रखना है। अंदर की साइड रखते हुए इस तरीके से हमें टेप के साथ इसे फोल्ड करना है ताकि ये मजबूत हो जाए। अगर यहाँ पे आपकी टेप फिनिश भी हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ये मैंने फोल्ड कर दिया है, और ये टेप का पॉइंट है, तो ये टेप को थोड़ा सा स्ट्रेच करने के बाद हम इस तरीके से
दबा देंगे। ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर एक फ्लावर और लगाएंगे हम, तो एक और फ्लावर हमें इसमें से निकालना है। ये भी हम अंदर से ही रखेंगे। कोई भी हम थ्रेड लेंगे, फ्लावर लेंगे या लीव्स लेंगे, वो हम अंदर की साइड से रखेंगे, क्योंकि अगर बाहर से आप फोल्डिंग स्टार्ट करते तो वो बाहर की बाहर ही निकल सकता है, वो बाहर की साइड पे ही उसका फेस रहेगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें रिंग और ये हुक लेना है, इसको ओपन करना है और इस रिंग को इसके अंदर डालना है। रिंग को डालने के बाद ये लेना है और इसमें ये बैंगल को डाल देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टूल, तो ये मैंने टूल दे दिया है। ये हमारा इयर रिंग तैयार हो चुका है। तो ये हमारी इयर रिंग्स तैयार हो चुकी है। ये इस तरीके से लटकता रहेगा। आप जब भी इसे वेयर करोगे तो ये हमेशा ऊपर की साइड पर ही रहेगा, तो आप उस चीज़ की टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये इधर। पसंद आया है गाइस तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और अगर आप आगे भी इसी तरह की कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ से आप नोटिफाइड हो पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।